आप सभी को मेरा नमस्कार मैं जलेज डायरेक्टर सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट इस बार गणेश जी के पर्व पर हमने एक एक्टिविटी शुरू किया हुआ है जिसका नाम हमने रखा है ज्ञान उत्सव इस एक्टिविटी में हमने बच्चों को एक एक प्लानिंग दिया था जिसका एक प्लान दिया हुआ था जिस प्लान में हमने बच्चों को वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए बोला था अलग अलग टॉपिक पे वॉलेंटरी वौ, था जो बच्चा चाहे वो अपने मन से टॉपिक ले सकता था लेकिन लगभग बच्चों ने अलग अलग टॉपिक और डिफिकल्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक लेकर के वीडियो लेक्चर बनाए बड़े उत्साह से बनाए और ये लेक्चर्स बन के रेडी हो गए हैं और अब हम इसे चैनल पे डालने वाले हैं हमारा एम ये था कि बच्चे का इन लेक्चर्स बनाने से उसका पढ़ाई के प्रति रुझान और अच्छा बढ़े वो अपने आप को देख पाए कि वो किस ढंग से वीडियो लेक्चर बना पा रहा है और कितना टॉपिक के ऊपर उसको खुद का नॉलेज है और वो कितने टॉपिक को आसानी से लोगों तक रख पा रहा है जिससे कि वो टीचर की मेहनत को भी समझ पाएगा कि जो टीचर उसको पढ़ाता है वो कितनी मेहनत लगा करके उसके सामने चीज़ें रखता है तो वो उसकी पढ़ाई के प्रति और टीचर के प्रति दोनों के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ेगी और सीरियसनेस पढ़ाई में बढ़ते चले जाएगी साथ में साथ इससे बच्चे का लीडरशिप क्वालिटी भी निखर के आएगा और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और एक इसमें हमको एक बड़ी अच्छी बात निकल के आई कि बच्चों ने जब वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया तो इतना सारा टॉपिक कवर कर डाला तो ऐसा हो गया कि हर एक बच्चे का कोई ना कोई एक एक टॉपिक मजबूत होता चला गया तो जिस बच्चे का टॉपिक बहुत मजबूत होता चला गया तो उसने और दूसरे बच्चे ने भी अपना एक टॉपिक तो हर बच्चे का एक एक टॉपिक मजबूत हुआ तो उन्होंने आपस में भी आप पूछना एक दूसरे से शुरू कर दिया कि भाई मैंने ये टॉपिक तेरे से पढ़ा है तूने बताया था तो तू मेरे को समझा दे मेरा ये टॉपिक बहुत अच्छा होता तो मैं को समझा देता हूँ इस तरीके से बच्चों में आपसी सामंजस्य भी बढ़ा है आपसी एक अब एक बच्चा दूसरे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है दूसरा बच्चा तीसरे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है वो आपस में भी एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा बिहेव कर रहे हैं और एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं जिससे कि क्लासेस में जो दबाव की स्थिति होती है या फिर जो बच्चों पे प्रेशर आ जाता है वो प्रेशर अब कम हुआ है हमको ये समझ में आ रहा है यानी बच्चों को भी लग रहा है कि यार हम भी बना सकते हैं वीडियो और हम भी एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं तो उनके अंदर में भी एक ऐसी भावना जाएगी कि मेरे एक वीडियो से मेरा दोस्त का एक टॉपिक क्लियर हो जाता और उसके एक वीडियो से मेरा एक टॉपिक क्लियर हो जाता तो ये बड़ा अच्छा माहौल बना है बड़ा अच्छा है इससे हमको बड़ा फ़ायदा लग रहा है इससे बच्चों के डाउट पूछना भी थोड़े से कम हो गए क्योंकि उनने खुद ही इतना अच्छा अच्छा प्रिपेयर कर लिए हैं तो बस अब न्यूमेरिकल में कहीं फंसते हैं तो हमको निकालना होता है और वो बहुत ही अच्छा रहा है इस पूरी प्रोसेस के लिए हमने एक इस पूरे एक्टिविटी के लिए हमने एक प्रोसेस रखा था कि बच्चों को हमने पहले क्लासरूम में जाके बोला था कि आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिए अपना अपना नाम दे दीजिए तो लगभग सभी बच्चों ने नाम दिया है फिर हमने टॉपिक उनके सेलेक्ट करके एक वीक का प्रिपरेशन टाइम दिया था प्रिपरेशन टाइम देने के बाद फिर लेक्चर रिकॉर्ड करवाया और लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद हमने उनका अभी हम उसको चैनल पर डालने वाले हैं जो कि आप तक पहुँचेगा इसमें हमने बच्चों के मोटिवेशन के लिए एक कैश प्राइज़ भी रखा हुआ है और वो लेक्चर का एनालिसिस हम एक एस एम कराएंगे जैसे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होंगे वो उसका एनालिसिस करेंगे कितना अच्छा किस बच्चे ने बनाया और अकॉर्डिंगली वन टू तो थ्री रैंक का हम कैश प्राइज़ का भी देंगे और हमको ये समझ में आ रहा है कि ये पूरी ओवरऑल एक्टिविटी का दो दो तीन फ़ायदा हमको हुआ है जैसे कि बच्चे में एक दूसरे बच्चों के प्रति एक दूसरे के प्रति सहानुभूति बढ़ी हुई है उनकी एक दूसरे के प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हुआ है वो ज़्यादा एक दूसरे से मिलजुल करके प्रॉब्लमों को निकाल पा रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनके ऊपर अब प्रेशर नहीं आ रहा है ये बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं पढ़ाई को और ये एक्टिविटी से हमको ये लाभ मिला है इस, इसलिए हम आपको बताना चाह रहे थे ताकि बच्चों के को भी कि, कि ये मेहनत को भी आप समझ पाएँ थैंक यू